हेलो दोस्तों, अच्छे होंगे सब लोग। पढ़ाई आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को धीरे धीरे हम कछुए की तरह क्या आगे बढ़ते जाएंगे। देखो हमने कितने 8 पार्ट तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज 8 का C पार्ट डिस्कस करेंगे, तो धीरे धीरे हम चलेंगे। अभी क्या निर्देशांक ज्यामिति में बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तुम लंबी क्लास बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के लिए लंबी लंबी क्लास प्रोवाइड करवाएं। क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन को समझाने में, क्योंकि उसमें हमें हर चीज निकालनी होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो कि मैं रोता तो कभी रोने नहीं देती, मैं रोता तो कभी रोने नहीं देती, भूखे पेट कभी सोने नहीं देती। मैं रोता तो कभी रोने नहीं देती, भूखे पेट कभी सोने नहीं देती। एक माँ ही तो जो फिक्र जताती है, एक माँ ही तो है जो फिक्र जताती है। बिना बात किए वो मुझे चाहती है, बिना बात की वो मुझे चाहती है। आई लव यू माँ। लोग तो गर्लफ्रेंड से प्यार करेंगे, हम तो माँ पे शायरी सुना लेते। तो आपको क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, आगे भी हम चलते चले जाएंगे और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना कि कोर्स पेपर तक हमने बताया, आप लोग को पूरी बुक का सोल्यूशन करेगा। और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, आप लोगों की इंग्लिश की भी लाइव क्लास सुबह 8 बजे हुआ करेगी। कितने 8 AM पे 8 AM पे आप लोगों की क्लासेस होंगी। और उसके बारे में तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, जो भी हमारे एग्रीकल्चर के हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल हार्ड लगती है, उनको भी मैथ क्या करें बिल्कुल हलवा बना दें। ठोको लाइक इसी बात को। फिर देखते हैं 8 का C पार्ट। 8 का C पार्ट हम डिस्कस करें, बहुत सिंपल है। 8 का C पार्ट क्या कह रहा है? 8 का C पार्ट 2 - 2 और 8 - 4, 5 - 7, 1 - 1। अब 8 का C पार्ट हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करें और सिद्ध करो कि आयत के शीर्षक हैं। पहले ग्राफ पेपर पर अंकित करना है, फिर आयत के शीर्षक बताना है, फिर आयत का क्षेत्रफल बताना है, फिर विकर्ण की लंबाई बताना है। तो एक क्वेश्चन में बहुत चीजें निकालनी है, तो डरना नहीं, बहुत सिंपल तरीके से हम पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये तो हमारा X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, X4 Y4। तो देखो कैसे, पहले हमें क्या करना है, आयत बनाना है। क्या खींचते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं। ये तो आप लोगों को पता चल गया कैसे बनता है। ये होता है इधर का एक्स, इधर का -X होता है, इधर होता है वाई, वाई माइनस का एक्स होता है। अब तो वैल्यू ज्यादा है ना, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो क्वेश्चन पे, पहली वैल्यू में दे रहे एक्स की प्लस की 2, यहाँ वाई की माइनस की 2। कहाँ पे आएगी कुछ वैल्यू, यहाँ पे आएगी। 8 X का दे रखा है, 8 यहाँ आएगा, और वाई प्लस का 4 दे रखा, मतलब कुछ इस तरीके से 8 का 4। फिर देखो यक्स दे रखी 5, वाई दे रखी 7, कहाँ जाएगी कुछ यहाँ पे। जब आप लोगों के ग्राफ पे बनाओगे तो आप लोगों को बहुत चीजें, यक्स दे रखी -1 और +1, कुछ यहाँ पे। तो देखो ठीक बन गया हमारे पास ग्राफ।
तो ये क्या है आयत, आयत क्या होता है, इसकी भुजा इसके बराबर है, इसकी ये भुजा इसके बराबर है। तो आप लोग अब आयत का हमें क्या निकालना, आयत सिद्ध करना है, आयत सिद्ध करना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी। अब इसको पॉइंट देंगे ए बी सी डी। तो ए बी के लिए फार्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो देखो x2 में कितना रखा, 8, x1 कितना रखा, 2, y2 रखा मैं 4 माइनस, माइनस के 2 रखा, 8 में से 2 का कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा रखे 36, और माइनस के अंदर आके प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा रखे 36। तो अंडर रूट हमारा कितना आ गया 72, कितना आ गया 72 आ गया। अब इसका हम क्या लेंगे, बीसी, क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे। अब देखो भाई सर कि बीसी में हम x1 किसको माने, x2 किसको माने, तो डरना नहीं। देखो x1 y1 x2 y2, bc के लिए x1 a होगा x2 a होगा, y1 y2, x1 x2 y1 y2। तो देखो पहले फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो देखो हमें x2 कितना दे रखा है, 5 माइनस के 8 अंडर रूट प्लस y2 कितना रखा है, 7 माइनस के 4, 8 में से 5 के माइनस के 3, माइनस के 3 का स्क्वायर कितना होता है अंडर रूट, कितना 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 के 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो हमारे पास कितना अंडर रूट 18। ठीक है, अब इसका निकाल हम cd, cd फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो अब इसमें देखो x2 क्या मानेंगे, x1 x2 y1 y2। तो देखो अब x2 हमारे लिए कितना है, माइनस का 1 माइनस 5 प्लस y2 में कितना देखा, 1 माइनस के 7 माइनस माइनस प्लस इन वैल्यू किसके, माइनस के 6, और माइनस के 6 का स्क्वायर कितना होगा अंडर रूट 6, 7 में से क्या 6, माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस के 36, तो अंडर रूट कितना आ गया 72 आ गया लगे। ठीक, उसके बाद निकालेंगे इसका डीए निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब देखो x2 हमारे पास कितना है, x2 d के लिए x1 y1 x2 y2, तो 2 माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस के 2 का स्क्वायर। अब देखो माइनस का अंदर के प्लस 2 1 ना 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का अंदर के प्लस 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना का अंडर रूट 18। अब इसका विकर्ण निकालेंगे, जो आयत होता क्या है, ए बी सी डी, पहले हमने निकाला ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर डी ए, अब निकालेंगे ए सी और बी डी। तो पहले हम निकालेंगे क्या, ए सी। तो देखो ए सी, ए सी हमारे पास कौन सा ये वाला है, तो फार्मूला लिखेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो देखो अब x2 हमारे लिए कितना दिया, 5 माइनस के 2 का स्क्वायर फिर प्लस, अब x y2 में कितना रखा है, 7 माइनस 2, 7 माइनस माइनस के 2, 5 से 3 का कितना है 2, 2 का स्क्वायर आएगा 4, अंदर माइनस का अंदर आके प्लस 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो जोड़ के रखे कितना आ गया 85 अंडर रूट 85। वेरी गुड, अब इसका हम करेंगे क्या, बीडी, बीडी कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो
अब हमारे लिए बीटी में एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो कितना माइनस का वन माइनस के आठ स्क्वायर प्लस वाई टू में कितना रखा वाई टू वन माइनस चार वन माइनस के माइनस का कितना आ जाएगा माइनस के चार फिर से देखना x2 हमारे पास कितना x2 माइनस का 1 8 सही है y2 में कितना 1 माइनस के 4 8 1 9 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 अब तो 4 में से क्या 3 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 तो आप ये देखना कोई ना कोई तो हमसे 1 अब देखो एक्स टू वाई टू हमारे पास कितना रखा वाई टू कितना रखा वन वाई वन कितना रखा चार वन में से चार का कितना तीन तीन का स्क्वायर नाइन तो कितना आ गया 90 अब यहाँ पे देखना क्योंकि हमारे पास विकर्ण बराबर आने चाहिए तभी तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा ए सी एक्स टू में कितना रखा ए सी में ए में एक्स टू में रखा पाँच और माइनस दो पाँच माइनस दो तो कितना रहेगा पांच माइनस दो तीन तीन का स्क्वायर कितना रहेगा नौ छोटी सी गलती से क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा ठीक तो देखो क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है वैल्यू को हमें आयत करने के लिए उसके दो वैल्यू को ही समान होनी चाहिए और प्लस विकर्ण हमारे क्या समान होना चाहिए इससे हम पता लगा लेते हैं हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है या गलत जा रहा है तो ए बी हमारे पास बराबर आया है किसके बी सी के फिर और हमारे पास बी डी बराबर आया है किसके डी ए के और बी डी नहीं बी सी ए बी बराबर आया किसके हमारा सी डी के देखो ए बी बराबर आया किसके सी डी के और फिर बी सी बराबर आया है बी सी बराबर आया है सी डी डी ए के और हमारे पर विकर्ण ए सी बराबर आया किसके बी डी के तो हमारे पास क्या यह एक क्या है आयत है प्रूफ हो गया आयत है ठीक ये तो हमने निकाल लिया उसका क्या इसकी और आपसे कोई मुझे विकर्ण कितने आए जाके तो बता सकते हो विकर्ण कितने 90 आए जाके तो आप लोग इससे बता सकते हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे तरीके से और अच्छे स्टूडेंट की खासियत करते वो साथ में बनाते हैं नोट्स बनाते हुए चलता है उसके बाद हम इसका क्या कराएंगे इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल देखो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे फार्मूला क्या होता है हमारे पास फार्मूला लिखेंगे एक बटे दो ब्रैकेट एक्स वन y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 y3 x4 प्लस y4 x1 ये हमारे पास क्या हो गए वैल्यू हो गए अब आपको बता रखा कौन सी वाली क्या है बस वैल्यू रख दो आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा तो देखो एक बटे दो बस वैल्यू रखने में आपसे कोई गलती ना हो एक्स वन में कितना रखा दो वाई टू कितना रखा चार प्लस एक्स टू कितना रखा आठ वाई थ्री कितना रखा सात प्लस एक्स थ्री कितना पांच और वाई फोर कितना रखा वन प्लस एक्स फोर माइनस का वन और वाई वन कितना रखा माइनस के टू ठीक माइनस अब देखो y1 कितना रखा माइनस के 2 अब x2 में कितना रखा 8 वेरी गुड y2 में कितना रखा 4 और x3 में कितना रखा 5 बिल्कुल सही फिर y3 में कितना रखा है 7 मल्टीप्लाई और x4 कितना रखा माइनस का 1 फिर प्लस हमें y4 कितना रखा 1 और एक्स वन कितना रखा दो इसको वन मल्टीप्लाई टू ठीक अब इसका क्या करेंगे हम
सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखो 1/2 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56, 5 × 1 = 5 प्लस माइनस वाइनस प्लस वगैरह के 2 माइनस 8 × 2 − 16 प्लस 4 × 5 = 20 प्लस प्लस माइनस माइनस के 7 1 × 2 = 2। अब देखो हम पहले क्या करेंगे, माइनस के एक साथ जोड़ेंगे, प्लस के एक साथ जोड़ लेंगे। 1/2 56 और 2 कितना हो गया रखे 56 और 5 = 61, 61 और 2 = 63, 63 और 8 = 71। वेरी गुड। माइनस अब देखो माइनस के 16 और 6 कितना हो गया रखे 22, 16 और 6 = 22 माइनस के, और 20 और 2 = 22। अब देखो ये जो माइनस का अंदर आके क्या हो जाएगा, जो माइनस की वो प्लस की और जो प्लस की वो माइनस की, तो 1/2 = 71 माइनस का अंदर आके कितना होगा प्लस के 22 और एक कितना होगा रखे 22 माइनस के 22, तो एक कैंसिल हो जाएगा माइनस के 22, तो हमारे पास क्या बचेगा रखे 56, 8 कितने हो गए रखे 64 और 64 और 7 कितना 71। ठीक, तो इसको प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/2 अंडर रूट 70 100 काटा कितना आएगा 35.5, कितना आएगा 35.5 इधर करेक्ट आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से, जहां पे भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो बिल्कुल एक बार वीडियो को प्यूज करके दोबारा देखा करो, जहां पे आप लोगों को ना समझ में आएगा तो आप वीडियो को रोक के बिल्कुल स्लोली से फिर से देखो, देखो समझ में आएगा, दो बार देखो तब ना समझ फिर कमेंट करो, क्योंकि हमने एक एक चीज बिल्कुल बिल्कुल तरीके से डिस्क्राइब किए। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या करेंगे 9 के क्वेश्चन कराएंगे। कितने 9 के कितने, माना कि तू पढ़ी लिखी नहीं है माँ, क्या माँ से कहते हैं कि माँ माना कि तू पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन जिंदगी को पढ़ना तो मुझे तूने सिखाया। माना कि माँ तू पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन जिंदगी का पढ़ना लिखाया और जिंदगी में जीना सिखाया, किसने? माने। तो ये माना तो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन जिंदगी को पढ़ना तो मुझे तूने ही सिखाया, इसीलिए क्या है सबसे बड़ी योद्धा माँ होती, माँ की ममता ही प्यारी। आगे देखो ये क्वेश्चन को टाइम लगता समझाने में, 15 मिनट से 20 मिनट चलते, इन्हें क्वेश्चन इतने बढ़िया पेपर में आते हैं 15 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन, तो इसलिए हर क्वेश्चन को टाइम लगेगा डिस्क्राइब में, क्लास को बहुत टाइम से खत्म हो पाएगी, लेकिन आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं जी ये नहीं कि समझ, अब देखो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न लिखित बिंदु को ग्राफ पेपर पर अंकित करो, ग्राफ पेपर पर आलेखन बनाओगे, ग्राफ पेपर पर आलेखन बनाओ और सिद्ध करो कि एक वर्ग के शीर्षक हैं, किसके? वर्ग के शीर्षक होते हैं। अब वर्ग हमने बता रखा है उसकी चारों भुजा कितनी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, पहले मैं क्या इसका आलेखन बनाएंगे, तो 9 का ए पार्ट कितना रहेगा 11, 2 और 6, 10 −6, −5 और −1, 7, तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बहुत सिंपल से निकालेंगे। देखो पहले हम इसका क्या ना ग्राफ पेपर वाले खेल पाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे पास वैल्यू किसके है 11 के, 10, 11 ए एक्स होता है, आपको पता है ए एक्स माइनस वाई माइनस होता है और ए एक्स माइनस होता है तो वाई प्लस करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या लगाते हैं माइनस की वैल्यू लगाते हैं, ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो क्वेश्चन बनाते हैं। पहला रखा कि x की वैल्यू कितनी है 11 और y की कितनी है 2। y की 2 कहाँ पे आएगी, कुछ करके यहाँ पे देखो 11 का मतलब। अब कहोगे सर आप देखते कितने, ये होता पहले वाला x1 को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y को x1। अब x की वैल्यू में कितनी रखी 6, y की कितनी रखी 10, मतलब कुछ यहाँ पे 6 कमा 10, वेरी गुड। फिर देखो x की माइनस छ कहाँ आएगी, x की माइनस छ भाई तो ये वाली होती है माइनस छ, तो देखो x की माइनस छ और क्या होगा रखे y की माइनस 5, कुछ यहाँ पे माइनस के 6 माइनस के 5। फिर क्या माइनस का एक x की वैल्यू है और y की कितने प्लस के 7, तो कैसा बनेगा है? एक इस तरीके से बनेगा रखते किस तरीके से, इस तरीके से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे। देखते तुम्हारी आंखों में देखी तो अजब सी चाहत चहक रही है, अजब सी चाहक महक रही है तुम्हारी नजरों में देखे। तो देखो क्वेश्चन का 9 का, अब हमें क्या है वर्ग के शीर्षक दिखाना, तो वर्ग क्या होते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी और डी, क्या होते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब ई हमें दे रखा 11 कमा 2 6 कमा 10 ठीक, वर्ग कितना रखा ये हमें वर्ग दे रखा है, देखो हमने क्या बना लिया एक वर्ग बना लिया। अब इसके में चारों भुजाएं क्या बराबर सिद्ध करनी पड़ती है, वर्ग की कंडीशन होती है उसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो देखो पहले निकालेंगे हम ए बी निकालेंगे, आपको बता रख चुके हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को पीछे कुत्ते की आवाज आ रही होगी, लेकिन क्या है रात को 12 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं, इन कुत्ते बीच बीच में भौंक रहे हैं, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं। तो आप लोग अच्छे से क्लास लो, तो बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में। तो देखो x2 में कितना रखा 6, माइनस का 10, माइनस का 11, इसका कितना रखा है 10 माइनस के 2, 11 में से 6 के 5, 5 का स्क्वायर 25, 8 में से 2 गए 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर 64, तो हमारे पास कितना 5 4 9 6 2 8 कितना आ गया कि 89 89 ठीक। अब इसका हम क्या निकालेंगे बीसी निकालेंगे, ये बीसी फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला तो आपको रट जानी चाहिए, इतनी बार एक क्वेश्चन में ही लिखने को पढ़ते हैं तो फार्मूला तो रट हो जानी चाहिए। अब x2 हमारे पास कितना था x2
एक्स टू में कितना रखा है, माइनस का छ, माइनस का छ स्क्वायर प्लस। वाई टू में कितना रखा, वाई टू, वाई टू में कितना रखा, माइनस के पांच और माइनस का दस, माइनस छ में से कितना गया, माइनस के बारह, और माइनस के बारह का स्क्वायर कितना हो गया, 144, 10 और 5 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225, जोड़ो 5 4 9, 4 2 6 1 7 309। ठीक, अब इसका हम क्या निकालेंगे, रखें सी डी निकालेंगे, तो सी डी कैसे निकालते, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो देखो अब एक्स टू हमारे पास कितना है, एक्स टू सी डी माइनस का वन माइनस के छः प्लस वन और सात माइनस माइनस के पाँच, सात का स्क्वायर कितना होगा, रखे 41 49, 12 का स्क्वायर कितना माइनस के अंदर रखे प्लस 144, जोड़ा रखे 9 4 13 के 3 4 4 8 1 9 और 293। अब इसका क्या निकालेंगे, डीए। बस सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं, खाली वैल्यू रखते रहो, क्वेश्चन को पुट करते रहो, और प्लस माइनस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अभी फिर से बता देंगे क्योंकि आप लोगों से यही गलती होती है, तो पहले क्वेश्चन को कर लें। क्या क्वेश्चन है, डीए। अब डीए में क्या, 11 अंडर रूट माइनस माइनस का वन का स्क्वायर प्लस वाई टू में कितना रखा है, 2 माइनस के 7 का स्क्वायर। ठीक, 11 में से 11 है कितना, 12 144, 7 में से 2 का कितना के 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, जोड़ो 169, 5 4 9 4 2 6 6। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तो ये क्या है हमारी, चारों बजाय बराबर नहीं है, अर्थात तथा यह वर्ग नहीं है। वर्ग वही होता है जिसकी चारों बजाय ना तो ए बी के बराबर बी सी आए, ना तो बी सी के बराबर सी डी आए, ना तो सी डी के बराबर डी आए, तो इसलिए क्या है, वर्ग नहीं है। क्या वर्ग नहीं है, ओके। अब हम अगला पार्ट डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे। इसलिए मैं स्क्रीनशॉट के समय पे साइड में हट जाता है कि आप लोगों से कोई भी गलती ना हो, बस क्लास को प्यार और सपोर्ट बना रखे। और आप लोगों को हमने बताया था कि अब आप लोगों की इंग्लिश की लाइव क्लास हुआ करेंगे 8 बजे से, इसकी इंग्लिश की लाइव क्लास है बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आप लोग अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर करें। अब 9 का बी पार्ट डिस्कस करेंगे, 9 का बी पार्ट। तो 9 का बी पार्ट भी बहुत सिंपल है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। 9 का बी पार्ट कह रहा है कि 0, 0 माइनस 1, 0 a, और 0, a। अब इसको आलेखन बनाना है ग्राफ पेपर पे, तो भी बना सकते हो क्योंकि 0 की क्या, a की कोई वैल्यू होती नहीं रखे, तो इसका ग्राफ पेपर तो बनेगा नहीं सही तरीके से, इसीलिए हम इसका क्या डायरेक्ट क्वेश्चन निकालेंगे। तो देखो a b c d, तो देखो हम पहले करेंगे ए बी निकालेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है। अब देखो हमारे पास एक्स टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू कितना हमारे पास ए, एक्स वन कितना 0। ठीक, प्लस y2 हमारे पास कितना है 0, 0, तो हमारे पास कितना a का स्क्वायर अंडर रूट कितना आ गया a स्क्वायर, वेरी गुड। अब निकालेंगे हम इसका bc, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। a विनीता सही से बैठो, a विनीता कितना, a विनीता सही से बैठो ना, क्वेश्चन सही से विनीता लाइन पे देखो,
देखो विनीता ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन, क्या करेंगे विनीता ऐसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक देखना विनीता x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, विनीता रीता इधर देखो क्वेश्चन को, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो x2 हमारे पास कितना है, अब देखो x2 कितना है e माइनस ए का स्क्वायर प्लस, और वाई टू में ए का मैं जीरो का स्क्वायर, ये ए में से क्या जीरो तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, क्या निकालेंगे इसका हम सी डी निकालेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो देखो हमारे पास x2 कितना है जीरो कामा ए प्लस सी डी निकाल, अब ए कामा ए ए कामा माइनस ए, अब ए में से ए गया जीरो तो ए का स्क्वायर कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक अब इसका क्या निकालेंगे हम डी ए निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो देखो x2 हमारे पास कितना है जीरो कामा जीरो का स्क्वायर प्लस y2 कितना रखा जीरो कामा माइनस एक का स्क्वायर, तो कितना बचा अंडर रूट ए स्क्वायर, तो हमारी चारों भुजा बराबर है तो ए बी बराबर आया है बी सी के, बी सी बराबर है सी ए के, सी डी के और इसका क्या डी ए, ये हमारी चारों भुजा क्या आई रखे बराबर आए रखे, तो ये क्या है वर्ग है, यह एक वर्ग है, ठीक अब इसका हमें क्या विकर्ण भी निकालना चाहे तो विकर्ण भी समान आएंगे, एक बार हम निकाल के देख लेते हैं, क्या निकालेंगे पहले ए सी निकालेंगे ए सी, तो देखो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो देखो x2 हमारे पास कितना ए सी में a माइनस जीरो अब देखो y2 में हमारे पास कितना है a कामा जीरो, कितना बचा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा टू ए स्क्वायर अंडर रूट, तो अब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं अंडर रूट टू मल्टीप्लाई अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट ए, इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट टू, ये भी सही है ए भी सही हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब हमने क्या दो पार्टों में तोड़ दिया, अब दो पार्टों में तोड़ा तो इसका क्या होगा रखे हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर से अंडर रूट कट गया रखे, तो ए हमने इसको आगे लिख दिया रखे ए अंडर रूट थ्री हो गया रखे, अब इसका हम क्या निकालेंगे रखे बी से बी डी निकालेंगे रखे बी डी, फार्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, अब देखो एक्स टू हमारे के लिए कितना है एक्स टू जीरो कामा ए का स्क्वायर प्लस फिर कितना ए कामा जीरो ए कामा जीरो, तो देखो कितना बचा हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे हम इसको यहाँ पे नीचे लिखेंगे अंडर रूट टू ए स्क्वायर, फिर से देखो अब इसको मैं अलग अलग अंडर रूट टू मल्टीप्लाई अंडर रूट ए स्क्वायर, इससे कट गया इस वाले ए को आगे लिख दिया तो क्या आगे रखे हमारे पास ए अंडर रूट टू, तुम्हारी विकर्ण भी क्या बराबर है ए सी बराबर है किसके बी डी के, तो क्या हमारा ये पूरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया के, तो आप लोग इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से क्लास को लाइक करते रहो शेयर करते रहो, अभी आप लोगों को एक मोटिवेशन लाइन सुनाएंगे शायरी मोहब्बत भरी, ठीक है जरूर, अब हम टेन नंबर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर टेन नंबर के क्वेश्चन टेन नंबर का क्वेश्चन, तो टेन नंबर कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना, कितना समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना पड़ेगा, आपको एक मोटिवेशन शायरी सुनाएंगे लव स्टोरी,
ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी से करीब होता है, ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी से करीब होता है। प्यार खुद चल कर आता है। क्या बोला? प्यार खुद चल कर आता है। कोई उसके नसीब होता है, कोई किसी के नसीब होता है, या कोई उसके नसीब होता है। मतलब ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी के पास होता है, प्यार खुद ही चला आता है जिसके नसीब में होता है। तो देखो टेन का, तो टेन का हमारे पास क्या क्वेश्चन है? टेन नंबर का कि राह की सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज के शीर्षक हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो हमारे पास क्या टेन का ए पार्ट दे रखा? टेन का ए पार्ट क्या दे रखा? माइनस एक कामा एक और पांच कामा तीन, ग्यारह कामा नौ और पांच कामा सात। तो पहले इसका हम ए भी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे। तो समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चार भुजा। अब देखो समांतर मतलब सम्मुख भुजा बराबर होनी चाहिए। ओके कोई बात नहीं। तो इसका ए हमने दे दिया ए बी सी डी। तो देखो पहले निकालेंगे, हम ए भी निकालेंगे। तो अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब देखो x2 हमारे पास कितना होगा? x1 y1 x2 y2 तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस। अब y2 हमारे पास 3 में से 1 तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर। माइनस का अंदर आके प्लस 5 का 6 का स्क्वायर कितना होगा? अंडर रूट 36। तो कितना प्लस 3 में से 1 है 2, 2 का स्क्वायर 4 तो कितना आ गया हमारे पास से? अंडर रूट 40। ठीक, अब इसका क्या निकालेंगे? बी सी निकालेंगे। BC का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो अब x2 हमारे BC के लिए कितना है? x1 y1 x2 y2 तो 11 माइनस के 5 प्लस अब 9 माइनस के 3। अब 11 में से 5 का कितना बचे रखे? 6 का स्क्वायर अंडर रूट 36 और 9 में से 3 के कितने बचे? 6 का स्क्वायर 36 तो कितना? अंडर रूट 72। अंडर रूट 72। अब इसका क्या निकालेंगे? सी डी निकालेंगे। सी डी कैसे? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स टू हमारे पास कितना होगा? सी डी 5 माइनस 11। ठीक, वाई टू हमारे पास कितना रखा? 7 माइनस के 9। अब देखो एक्स टू हमारे पास कितना? 5 माइनस 7। अब कितना आगे रखे? 7 माइनस के 9। ठीक, कितना बचे? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 में से माइनस के 2, माइनस के 2 का स्क्वायर 4 कितना आगे रखे? अंडर रूट 40। फिर देखो अब इसका क्या निकालेंगे? डी ए निकालेंगे। रखे तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स टू हमारे पास कितना रखा है? माइनस का 1 और माइनस के 5 प्लस, और वाई टू में कितना रखा है? 1 माइनस 7। माइनस माइनस अंदर कितना होगा? प्लस का माइनस का 6, माइनस का 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 7 में से 6 माइनस के 6 का स्क्वायर 36 तो कितना आ गया? अंडर रूट 72। तो ये क्या है? सम्मुख भुजा है हमारी। सम्मुख मतलब कि आमने सामने की भुजा। तो AB बराबर है हमारा किसके? CD के। और BC बराबर है हमारा किसके? DA के। तो ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज
कि इसके सम्मुख बुझाए बराबर होनी चाहिए, तो बराबर आई हैं। अब आप लोग एक चीज बोल रहे हो कि सर एक चीज बताओ, आप ऐसे करते चल जाते हो, मेरे तो डाउट ही घुसे जा रहे हैं। क्या डाउट? कि सर जैसे यहाँ पे माइनस वन लिखा कि माइनस का फाइव वन माइनस के फाइव, तो हमारे पास वैल्यू तो एट होगी, वैल्यू क्या होगी एट होगी, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब सर ये तो बात आपकी हमारे नहीं कुछ पल्ले पड़ी, हमने कहा क्यों नहीं पल्ले पड़ी। मेरे कहने का मेरा रिस्पॉन्स ये है कि अगर हमने आपसे 10 रुपये उधार लिए, कितने रुपये लिए? 10 रुपये उधार लिए, तो उधार का मतलब होता कि माइनस का लिए, क्योंकि अगर हमने आपसे 10 रुपये उधार लिए तो मतलब आपको भी पता चल गया कि सर के पास 10 रुपये हैं, ठीक। और जब हमने 10 रुपये आपसे उधार लिए और 10 और ले लिए, तो आपने क्या सोचा कि सर पे तो 20 रुपये उधार हो गए, लेकिन उधार का मतलब क्या था? माइनस होता। इसे माइनस की वैल्यू तो एड होगी, ये चिन्ह माइनस कर गए 6। आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर आपने 36 प्लस क्यों कर दिया? भैया 6 × 6 होता, मल्टीप्लाई में माइनस क्या होता है? हट जाता है, तो 6 × 6 कितना हो गया? 36। इसीलिए हम ये तरीका अपनाते हैं। तब 10 का ए पार्ट भी हमने डिस्कस कर डाला बहुत अच्छे तरीके से, अब हम क्या 10 का बी पार्ट पे डिस्कस करेंगे। देखो 10 का बी पार्ट, 10 का बी पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है? तो रखा 10 का बी पार्ट -2, -1 और दे रखा है 1, 0 और 4, 3 और 8, -8। ये हमें क्या रखा? क्वेश्चन को दे रखा है। अब इसको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देखो वही फार्मूला, वही पुरानी चीज है, x2 - x1² y2 - y1² अब इतनी बार फार्मूले लिखने की जरूरत है कि एक ही क्वेश्चन में चार वाले को आपको समझाने के लिए हम फार्मूले लिखते हैं इतनी बार, वरना तो एक ही बार में फार्मूले लिखने की जरूरत है, इतनी बार फार्मूले लिखने की जरूरत ही नहीं। अब देखो x2 हमारे पास कितना 1, कितना है 1, माइनस का है -2 प्लस y2 में कितना देखा 1, y2 में 0 प्लस 0 - 1² तो देखो माइनस का अंदर आके कितना हो गया प्लस का, तो 2 × 1 = 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गया 10। अब देखो हमने क्या निकाला, ए बी निकाल लिया, अब निकालेंगे हम इसका बी सी निकालेंगे, तो वही तरीका बी सी भी निकाल लेता है, कितना वही तरीका बी सी भी निकाल लेता है, x2 - x1² प्लस y2 - y1² होता। तो देखो हमारे पास BC कितना, x2 कितना BC के लिए है 4 - 1² y2 हमारे पास 3 - 0 चार में से गए 3, 3 का स्क्वायर 9 तो अंडर रूट कितना आ गया 18। फिर देखो क्या निकला, इससे 18 करेंगे x2 - x1² प्लस y2 - y1² 1, 4। तो देखना अब इसका सीडी निकल है x2 - x1² प्लस y2 - y1² तो 4 में से 3 प्लस अब इतना 2 कितना हमारे पास -3 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस का 1 इक्वल टू 10, ठीक। अब इसका क्या निकालेंगे, हम dA निकालेंगे x2 - x1² प्लस y2 - y1² होता। अब देखो x2 हमारे पास कितना है x2 में कितना रखा है, अब इसमें x2 कितना -2 - 1² और y2 में कितना रखा है -1 और -2 -2 - -3 - 9 - 3 - 9 कितना 18। तो
हमारे पास ए बी बराबर आई है किसके, सी डी के, और बी सी बराबर आए किसके, ए डी के। तो क्या हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।